और फिर लिए चलते हैं आपको केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपणन को भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की है। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के अंतर्गत जल आपूर्ति, बिजली एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी छूट है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति नियंत्रण में है। इसमें भारतीय डाक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल हमने संक्षेप में भारतीय डाक द्वारा कोविड-19 के दौरान दिए गए योगदान की चर्चा की थी। आज थोड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगी। भारतीय डाक ने मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयां, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतरराज्य और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं, जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब तक 1,749 पीपल क्योर हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेज आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेज आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और
ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहां पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और आईएलआई के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेज जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है, और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5,00,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। कल एम्स ने भी COVID-19 से संबंधित मैकेनिकल वेंटिलेशन मैनेजमेंट पर फिजिशियंस की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। आज माननीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे माननीय हेल्थ मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फर्दर रोड मैप लॉकडाउन और एक्सटेंडेड लॉकडाउन की स्थिति में हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। उसमें मुख्यतः डायग्नोसिस, वैक्सीन, ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एक्सेसरीज और जनरल वेलनेस से निमटने के लिए साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट जो हैं उनके एफर्ट्स का रिव्यू किया गया। हमारे को यह लड़ाई हर फ्रंटियर पर लड़नी है, और फील्ड पर लड़ाई लड़ते हुए एक हमारा फ्रंटियर है साइंस एंड टेक, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा। उसी के तहत काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर कंटिन्यू इस विषय में एफर्ट चल रहे हैं, जिसके तहत ही इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस ने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अपनी 30 लैब्स का योगदान दिया है। हमारे एफर्ट्स प्राइमरली फोकस्ड हैं न्यू रैपिड और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक किट्स बनाने में जो कि अपना रिजल्ट 30 मिनट में दे सकें, साथ ही इनोवेटिव पूलिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में ताकि हम लिमिटेड टेस्ट होते हुए भी अगर उसको और एक्सपैंड करना चाहें, लार्जर नंबर ऑफ पीपल कवर करना चाहें, उसके लिए काम कर सकें। इसके साथ ही इंडिजिनस सिंथेसिस, जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे को डोमेस्टिक किट प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कैसे बढ़ाएं उस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। साथ ही वायरल सीक्वेंसिंग, जिसके द्वारा हम एपिडेमियोलॉजी और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट की दिशा में इनएक्टिवेटेड वायरस, एंटीबॉडीज टू मेजर एंटीजेंस, मोनोक्लोनल्स और आरएनए बेस्ड वैक्सीन पर भी काम किया जा रहा है। भारत ग्लोबल पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारी इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की जाएं और हम जल्द से जल्द उसको पब्लिक को मुहैया करा सकें। यह एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है, लेकिन हमारे सारे एक्शंस इस पर फोकस हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करें। इसी के तहत रिकॉम्बिनेंट बीसीजी और माइकोबैक्टीरियम इंडिका स्ट्रेन जैसे इम्यून बूस्टिंग डिवाइसेस पर भी काम हो रहा है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी पर भी कुछ साइट्स पर काम चल रहा है। डीबीटी ने इसके साथ ही लार्ज स्केल एफर्ट्स लिए हैं कि कैसे ह्यूमन मोनोक्लोबल एंटीबॉडीज फॉर COVID-19 पर काम करें। इसके साथ ही एक और विषय बहुत मुख्य है, वह है कि हम इफेक्टिव ड्रग्स पर भी कुछ काम करें। हमारे सामने वर्तमान में कई पोटेंशियल ड्रग्स हैं जिसमें से कोई भी अभी फुली प्रूवन नहीं है, और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है तो उस पर भी हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी समय में जब ये अनसर्टेनिटी है तो हमारा एफर्ट है कि इंडिया इस ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग्स मल्टी प्रोसेस में काम करे। एक मल्टी प्रॉन्ग रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भारत की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉलिडिट ट्रायल में एक पार्टिसिपेंट है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट ड्रग थेरेपीज की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन कर रहे हैं। साइंटिफिक टास्क फोर्स एग्जिस्टिंग ड्रग्स को रीइवैल्यूएट कर रही हैं ताकि उनको जरूरत पड़े तो COVID-19 के लिए रीपर्पस किया जा सके। एंटीवायरल ड्रग्स ने जो कुछ स्टडीज में अब्रॉड में हमें इनिशियल प्रॉमिस दिखाया है, CSIR की लैब के द्वारा इन ड्रग्स पर भी काम चल रहा है, जिसमें कि मुख्यतः उबीफेनोफिर और फेविपी रवीर ड्रग जो हैं उनके इंडिजिनस सिंथेसिस के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं।
फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही हमारा एक मेजर एफर्ट है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे अप्रूवल सिस्टम्स हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको भी त्वर गति से करें ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी रिसर्च हो उसको पब्लिक तक ले जा सकें। इसके साथ ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और ऐसी एंसिलेटरी सपोर्ट डिवाइसेस पर भी CSIR की इंजीनियरिंग लैब्स श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा इंडिजिनस डिजाइन बनाए जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को आंध्रा मेडटेक जोन में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है। RT-PCR किट्स का इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स पर काम हो रहा है और हम उस स्थिति में होंगे कि इंडिजिनसली इसमें 10 लाख किट पर मंथ मई में बनाई जा सकें। साथ ही रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स पर भी हम काम कर रहे हैं और मई तक हम लोग 10 लाख रैपिड इंडिजिनस किट्स डिटेक्शन किट बना पाएंगे। वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारी कैपेसिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में 6000 वेंटिलेटर पर मंथ की कैपेसिटी क्रिएट की गई है। इस तरीके से डायग्नोस्टिक्स हों, थेरेप्यूटिक्स हों या वैक्सीन्स हों, इसमें नेसेसरी एफर्ट पर वॉर फुटिंग से मॉनिटर किया जा रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्टेट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने स्टेट्स को कुछ फोरकास्टिंग टूल्स भी शेयर किए हैं जिसके द्वारा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनका जो प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, उसकी वह एनालिसिस करके पा सकते हैं कि वह सफिशिएंट है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनको किस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड केस लोड। इसी तरीके से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स देश में दिन प्रतिदिन इस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत 1919 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। टोटल ऑफ अगर उसमें देखें तो 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 ICU बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि हर तरीके से एफर्ट चल रहा है कि अगर केसेज आए देश हर तरीके से निमटने के लिए तैयार रहे। इसी के तहत हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एफर्ट चल रहे हैं। इन जब चारों तरफ देश में एफर्ट चल रहे हैं तो उस समय में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई पॉजिटिव एफर्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे अहमदाबाद में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद का सिविल अस्पताल। कोविड-19 की महामारी के बीच अहमदाबाद का ये सिविल अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अपनी उन्नत सुविधाएं और तकनीकी विशेषताओं के साथ इसे सिर्फ 5 दिनों में ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। तो सब परिस्थितियों में जो इक्विपमेंट्स है, दवाइयों का जत्था है, रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमेबल्स की है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए जो प्रोटेक्शन की सुविधा है, जिसमें सिंपल मास्क, N95 मास्क और PPE किट जो होती है, वो सब की सुविधा हमने मुहैया करा के रखी है। 1200 बिस्तरों और 228 वेंटिलेटर बेड की सुविधाओं के साथ हर तरह के कोविड मरीजों को हर संभव सहायता ये अस्पताल उपलब्ध करा रहा है। जब मरीज आएगा तो उनको पहले OPD में स्क्रीनिंग किया जाएगा, फिर उनका टेस्टिंग होगा, उनका एक्सरे, सोनोग्राफी, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हो जाएगा और जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको हम भर्ती कर सकते हैं और जो सस्पेक्टेड केस नहीं है उनको हम वहीं से दवाई देके घर भेज सकते हैं। अगर कोई मरीज सीरियस कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसके लिए हमने OPD के पास ही एक ट्रायज एरिया बना के रखा है, जिसमें कि वेंटिलेटर और मल्टीपारा मॉनिटर और इन्फ्यूजन पंप वगैरह सब सुविधा हमने तैयार की है। OPD से ICU तक संदिग्ध मरीजों से लेकर गंभीर मरीजों तक हर स्तर पर यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं लोगों को कोविड से लड़ने को लेकर हौसला दे रही हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज अगर बच्चा है तो यहाँ पेडियाट्रिक वार्ड भी उपलब्ध है। अगर कोई बुजुर्ग है या किसी को गुर्दे की समस्या है तो डायलिसिस की सुविधा भी इसी कोविड अस्पताल में मौजूद है। पेशेंट की कंडीशन, जैसे कि वो स्टेबल पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है, उस हिसाब से, और दूसरी बात कि उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई हाई रिस्क बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी है, तो उस तरह से
उनको अलग प्रकार की सुविधा और ट्रीटमेंट सबकी जरूरत होती है उसके हिसाब से रखते हैं। समय के साथ जैसे ही नए नए मामले आ रहे हैं, सारे मेडिकल स्टाफ जरूरत के मुताबिक ड्यूटी के बाद अस्पताल में ही रह रहे हैं ताकि वो हर समय अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें। जो स्टाफ काम करेगा डॉक्टर से लेके हाउसकीपिंग तक, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, फिर 16 घंटे वो आराम करेगा। उनके आराम करने के लिए और रहने के लिए हमने हॉस्पिटल में ही जो अलग अलग ब्लॉक्स है उनमें आइसोलेशन करके हमने उनके रहने की और खाने की सुविधा मुहैया कराई है। कोविड की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मेडिकल स्टाफ खुद के बचाव के लिए भी सारी जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। इस अस्पताल के अलावा गुजरात सरकार राज्य के सभी शहरों में बने इसी तरह के कोविड अस्पताल के जरिए न सिर्फ कोविड 19 संक्रमण का परीक्षण कर रही है बल्कि गुजरात में इस महामारी पर लगाम भी लगा रही है। हमारे बाकी भी जो लोकेशन पैमाने में 10 से भी ज्यादा केसेस मिल रहे थे, जैसे कि विभावनगर, सूरत, राजकोट एंड गांधीनगर एज वेल एंड वडोदरा, तो इस वजह से उसमें भी हमने बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग करने का एक निर्णय लिया। राजकोट, सूरत और वडोदरा शहरों में भी 250 बेड के कोविड अस्पताल और गुजरात के बाकी सभी जिलों में बने 100 बेड के कोविड अस्पताल भी पूरे राज्य के कोविड की चुनौती को मुंह